After finishing work, power and energy, let's continue our physics, let's continue our mechanics with the next chapter, that is center of mass. From today onward, we'll start center of mass. Dekhiye, what this chapter is all about. First of all, throughout this time, हमने अभी तक जो भी कुछ physics पढ़ा है, in all those concepts, we had always assumed any body, any particle to be a point mass. हमने हमेशा, हमने Newton's laws पढ़े, हमने कहा force is equal to mass into acceleration. हम कहते थे इफ दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स इन दैट केस दिस बॉडी वुड बी एक्सीलरेटेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. हम कहते थे जिस डायरेक्शन में फोर्स है exactly उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा. नाउ व्हाइल राइटिंग दिस एक्सप्रेशन एग्जैक्टली अवर अजम्पशन इज दैट दिस बॉडी इज अ पॉइंट मास, इट्स मास इज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ पॉइंट. अब जरा सोचिए कि क्या वाकई में हम हर एक बॉडी को पॉइंट मास मान सकते हैं. देखिए मैं इसी समय एक बॉडी दिखाता हूं. लेट अस से दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी अ पार्ट एंड इट्स लाइंग ओवर दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस. इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यह बॉडी रखी. अब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं, मैं अलग अलग तरीके से फोर्स लगाऊंगा, अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा. फोर्स का डायरेक्शन हर केस में सेम होएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हर केस में सेम होएगा. और इस बॉडी के मूवमेंट को अब आप देखिए, मैं एक केस में फोर्स लगा रहा हूं एग्जैक्टली इस बॉडी के मिड में, बीच में फोर्स लगा रहा हूं और यह बॉडी मूव करने लगी. ऑब्जर्व अनदर सिचुएशन, मैं इतना ही फोर्स इसी डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता हूं और अब आप इस फोर्स के इफेक्ट को सोचिए. अभी तक हमने कहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड ऑन इट्स डायरेक्शन. मगर अब आप देखिए, मैं सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में और सेम डायरेक्शन में, मगर इस बार जो फोर्स लगा रहा हूं वो बीच में लगाने के बजाय मैं इस एंड पर लगा रहा हूं, ऑन दिस एंड ऑफ द बॉडी. इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस एंड ऑफ द बॉडी, नाउ ऑब्जर्व द मोशन. मैं यदि इसी बॉडी के दूसरे एंड पर फोर्स लगाता हूं, नाउ ऑब्जर्व द मोशन. हम कहते हैं, मैं इस पर इसी समय एक थ्रस्ट लगाता हूं. थ्रस्ट मींस मैं इस तरह से इसको हिट करता हूं. इफ आई हिट इट इन द मिडल द बॉडी गोस लाइक दिस, ये बॉडी इस तरह से गई और इसी बॉडी को वंस अगेन आई हिट द सेम बॉडी, मगर मैं पॉइंट ऑफ हिटिंग चेंज कर देता हूं. मैं सेम थ्रस्ट लगाऊंगा, मतलब सेम फोर्स लगाऊंगा सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, मगर इस एंड पर. पहले मैंने बीच में लगाया था, इस बार इस एंड पर लगा रहा हूं. नाउ ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉडी. पहले केस में, पहली सिचुएशन में यह बॉडी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरह से फ्लाई ऑफ करी थी और दूसरे केस में यह बॉडी फ्लाई ऑफ करते हुए इस तरह से रोटेट होते हुए गिरी. व्हाट आई मीन टू से इज the effect of force not only depends on the magnitude of force
and the direction of force, but it also depends on the shape, size and the geometry of the body. It also depends on the mass distribution on the body. किसी भी बॉडी पर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, ये इस बात पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि वो बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस फोर्स को किस पॉइंट पर लगाया जा रहा है। सेम मास, इस बॉडी का मास एम, मैं इसी मास एम को इस तरह से ले लेता और इस फोर्स को बीच में लगाता, या फिर इसी मास एम पर सेम फोर्स यदि मैं इस एंड पर लगाऊंगा, बिलीव मी द इफेक्ट ऑफ फोर्स वुड नॉट रिमेन सेम, इट वुड नॉट रिमेन आइडेंटिकल। इस सिचुएशन में लगाई गई फोर्स और इस सिचुएशन में लगाई गई फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि बॉडी का शेप चेंज हो चुका है। इन दोनों केस में बॉडी पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो चुका है। हम कहते हैं सिर्फ यह एक्सप्रेशन लिख देना, यह एक्सप्रेशन सिर्फ तभी होल्ड करता है जब हमने बॉडी को एक पॉइंट मास मान लिया और उस पॉइंट मास पर वह फोर्स लगाया जा रहा। इस चैप्टर में हम इसी बात को अकाउंट करेंगे। वी विल स्टडी, इसके बाद आगे की जो भी कुछ फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उस फिजिक्स में हम फोर्स, फोर्स के इफेक्ट को समझेंगे। मगर अब हम किसी भी बॉडी को पॉइंट मास नहीं मानेंगे, उसके एग्जैक्ट शेप को देखेंगे, उसके एग्जैक्ट साइज को देखेंगे, उसकी ज्योमेट्री को देखेंगे, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को देखेंगे और फिर उस फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। वहां पर अभी तक हम फोर्स की वजह से सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे थे, इसके बाद हम फोर्स की वजह से होने वाला रोटेशनल मोशन भी देखेंगे और उस रोटेशनल मोशन को भी हम स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। इसी सीरीज में सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें समझना है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑन द बॉडी एट विच कंप्लीट मास कुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। इन दैट केस the behavior of that point mass would be similar as that of the complete mass system। कोई सा भी मास सिस्टम है, जैसे कि यह चौक एक मास है, यह बोर्ड भी एक मास है, किसी भी तरह की बॉडी हो उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, एंड सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट एट विच इफ कंप्लीट मास वेयर कॉन्सेंट्रेटेड, इन दैट केस द बिहेवियर ऑफ दैट पॉइंट मास वुड बी आइडेंटिकल टू द बिहेवियर ऑफ कंप्लीट मास सिस्टम। दैट इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास को कैसे एक्सप्रेस करना, इसको कैसे कंसेप्चुलाइज करना, इसको कैसे डिटरमाइन करना, यही सारी बातें अब हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, हियर वी इंट्रोड्यूस अ टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ मास, वी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रेफरेंस
एक्सेस, इट्स ऑलवेज डिफाइंड, इट्स ऑलवेज कंसेप्चुलाइज अबाउट अ रेफरेंस एक्सेस, इट्स ऑलवेज डिफाइंड और कंसेप्चुलाइज, डिफाइंड और conceptualized about a reference axis. एक reference axis के about हम moment of mass define करते हैं. Let us say this is a reference axis. यह कोई reference axis है. And this is a point mass m at this point. The distance of this point mass m from the reference axis is d. D is the distance of this point mass from the reference axis. हम कहते हैं moment of mass is perpendicular distance into the magnitude of mass. Perpendicular distance into mass. This is moment of this point mass about this reference axis. इस पॉइंट मास का मोमेंट इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, इट्स ऑलवेज डिफाइंड इन दिस मैनर, इट्स मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज द न्यू कंसेप्ट, न्यू डेफिनेशन दैट वी इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर इन ऑर्डर टू कंसेप्चुलाइज, इन ऑर्डर टू डिफाइन सेंटर ऑफ मास. देखिए सेंटर ऑफ मास हम कैसे डिफाइन. We have got a mass system. हमारे पास कोई mass system होगा. What do I mean by mass system? मैं बताता हूं. That mass system will have some moment about the reference axis. हम एक reference axis define कर देते. उस reference axis के about हम पूरे के पूरे mass system का moment determine कर सकते. Now, we used to say, if the complete mass were concentrated at a point, पूरे के पूरे mass को यदि हम एक point पर concentrate कर दें, और उस point mass का moment उसी reference axis के about determine करें. अब यदि point mass का moment reference axis के about same आ जाए, in that case, that point would be termed as a center of mass. उस पूरे mass system का center of mass कहलाएगा. मैं दोबारा समझाता हूं. Suppose this is a mass system. यह कोई mass system. किसी भी तरह का mass हो सकता है, कुछ भी shape, size, कुछ भी geometry हो. और मुझे इसका center of mass समझना है. अब इसका center of mass समझने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक रेफरेंस एक्सिस ले लूंगा. मैंने यह रेफरेंस एक्सिस ले ली. दिस इज माय रेफरेंस एक्सिस. नाउ व्हाट आई डू इज आई डिटरमाइन मोमेंट ऑफ दिस कंप्लीट मास सिस्टम अबाउट दिस रेफरेंस एक्सिस. मैं इस पूरे मास सिस्टम का मोमेंट इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट डिटरमाइन कर लेता हूं. मोमेंट ऑफ mass system about a reference axis. हम इस reference axis के about इस mass system का moment determine करके रख लेते. अब हम क्या कहते हैं कि इस पूरे mass system को
कॉन्सेंट्रेट कर दो, इसको कन्वर्ज कर दो और इसको एक पॉइंट पर लाकर रख दो पूरे के पूरे मास सिस्टम को. व्हाट एवर इज द मास, इसका मास यदि कैपिटल एम है तो हम इस पूरे मास को कन्वर्ज करवाएंगे, इसको कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे और पूरे मास सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करवाकर हमने उसे इस पॉइंट पर रख दिया. मास उसका कैपिटल एम ही रहेगा. इस पूरे मास सिस्टम का हमने मास को कॉन्सेंट्रेट करवाया, कन्वर्ज करवाया और उसे हमने इस पॉइंट पर रख दिया. नाउ दिस इज अ पॉइंट मास हैविंग इट्स मास इज सेम एज द मास ऑफ कंप्लीट मास सिस्टम, क्योंकि हमने उस पूरे के पूरे मास को कन्वर्ट कराया, कॉन्सेंट्रेट कराया. मास को कहीं बाहर नहीं जाने दिया, बाहर से कोई मास आने नहीं दिया, जितना मास था उतना का उतना रहा, बस वो पूरा सिमट के एक पॉइंट पर आ गया और इस पॉइंट पर इसको लिया. अब इस पॉइंट मास का हम इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं. अब इस पॉइंट मास का हम इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर सकते और यदि वह मोमेंट सेम आ गया तो यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. यदि वह मोमेंट सेम आ गया इन दैट केस यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. वी यूज टू से मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ सेम पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास, या फिर यह कहें इफ मोमेंट ऑफ पॉइंट मास इज सेम इन दैट केस दैट पॉइंट वुड बी टर्म्ड एज सेंटर ऑफ मास. This is the most basic definition and the concept that we will frequently discuss in order to determine center of mass, in order to conceptualize center of mass. हम अलग अलग तरह के mass system देखेंगे और अलग अलग तरह के mass system के लिए हम center of mass को determine करेंगे, center of mass को determine करने का तरीका समझेंगे और हर बार हम यही apply करेंगे. देखिए सबसे पहले कितने तरह के मास सिस्टम हो सकते हैं जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. ब्रॉडली डिपेंडिंग ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन वी आइदर हैव अ डिस्क्रीट मास सिस्टम और अ कंटीन्यूअस मास सिस्टम. मास सिस्टम आइदर इट मे बी डिस्क्रीट और इट मे बी कंटिन्यूअस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट मास सिस्टम? डिस्क्रीट मास सिस्टम मीन्स यदि कुछ पॉइंट पर कुछ मासेस रखे हुए तो उसे हम डिस्क्रीट मास सिस्टम कहते हैं. इस तरह से कुछ जगह पर कुछ कुछ मासेस रखे हुए तो वह डिस्क्रीट मास सिस्टम कहलाए. लेट मी टेल यू द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम. अवर सोलार सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम. इसके सेंटर पर सन है, सेंटर पर एक मास रखा हुआ है, फिर थोड़ी दूर निकल जाए तो हमको मर्क्यूरी मिलता है, वो एक जगह पर छोटा सा मास रखा हुआ है, फिर थोड़ा और दूर निकल जाए तो हमें वीनस मिलता है, वह एक छोटा मास रखा हुआ है, फिर थोड़ा और दूर निकल जाए तो हमें अर्थ मिलती है, फिर मार्स मिलता है एंड देन जुपिटर एंड इस तरह से कुछ अलग अलग जगह पर कुछ कुछ मासेस रखे हुए मिलते हैं. सोलार सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम. Another is continuous mass system. Continuous mass system like this chalk. ये chalk है, ये continuous mass system है,
इधर से इधर तक मास कंटिन्यूअसली फैला हुआ है। अ प्लेन पेपर इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। एक प्लेन पर जो पेपर है यदि हम उसकी बात करें तो वो प्लेन पर वह मास कंटिन्यूअसली फैला हुआ है, दैट इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मे बी लाइक अ चॉक और अ पेपर और एनी ब्लॉक, दे आर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। नाउ हम मास सिस्टम को एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। वी मे हैव थ्री टाइप ऑफ मास सिस्टम। आइदर वी मे हैव अ लीनियर और वन डायमेंशनल मास सिस्टम। वन डायमेंशनल और लीनियर मास सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशनल और लीनियर मास सिस्टम? इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, इफ मास इज स्प्रेडेड ओवर अ लाइन, पूरा का पूरा मास यदि एक लाइन में फैला हुआ हो तो वह लीनियर मास सिस्टम कहलाएगा या फिर वन डायमेंशनल मास सिस्टम कहलाएगा, जैसे कि यह चौक। टू डायमेंशनल और प्लेनर मास सिस्टम। टू डायमेंशनल और प्लेनर मास सिस्टम, यदि मास एक प्लेन में फैला हुआ हो जैसे प्लेन पेपर, जैसे आपकी कॉपी, that is a two dimensional mass system or a planar mass system, and three dimensional or spatial mass system, three dimensional mass system or spatial mass system, जैसे कि यह block इस तरह का कोई रिमोट कंट्रोल, सच टाइप ऑफ ब्लॉक, थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम, पूरे एक्स वाई जेड एक्सिस में तीनों ही एक्सिस में मास फैला हुआ है, सच अ मास सिस्टम वुड बी कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड वी मे कैटेगराइज मास सिस्टम इनटू थ्री कैटेगरी, आइदर वन डी मास सिस्टम, टू डी मास सिस्टम और थ्री डी मास सिस्टम। इन दिस मैनर वी मे हैव सिक्स टाइप्स ऑफ मास सिस्टम। इस तरह से हमारे पास छह तरह के मास सिस्टम हो सकते हैं। आइदर लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम और लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम और लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। और वी में है प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम, प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम और वी में है प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। वी में है थ्री डायमेंशनल डिस्क्रीट मास सिस्टम, थ्री डी डिस्क्रीट मास सिस्टम और वी मे हैव थ्री डी कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इन दिस मैनर वी मे हैव सिक्स टाइप्स ऑफ मास सिस्टम। हमें हर तरह के मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का तरीका सीखना है, समझना। मैं एक एक करके सभी तरह के मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का तरीका समझाऊंगा। लेट मी स्टार्ट द कंसेप्ट विद लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम। मैं सबसे पहले लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम दिखाता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन तरीका बताता हूं और उसके लिए एक जनरलाइज्ड
एक्सप्रेशन को लिखवाता हूं। बड़े ध्यान से समझना, द कंसेप्ट वुड रिमेन सेम। वी यूज टू से दिस इज एक्स एक्सिस एंड ऑन दिस एक्स एक्सिस वी हैव गॉट दिस मास एम वन एट एक्स वन कॉमा जीरो, दिस मास एम टू एट एक्स टू कॉमा जीरो, दिस मास एम थ्री एट एक्स थ्री कॉमा जीरो एंड सो ऑन, मास एम एन एट एक्स एन कॉमा जीरो। दिस इज अ मास सिस्टम। Now, first of all, I should call it a linear mass system. Why I should call it a linear mass system? Because all the masses, all the particles are kept over a line. Ek hi line mein sare masses rakhe hue. Mass m1, mass m2, mass m3, mass m4, mass m5 up to mass mn. N particles hai yahan par. और वो सारे के सारे पार्टिकल मैंने एक ही लाइन में, एक ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इंडिकेट करे हैं। दैट साइड्स अ लीनियर मास सिस्टम। इट्स आल्सो अ डिस्क्रीट मास सिस्टम। व्हाई डिस्क्रीट? बिकॉज हर जगह पर, एक्स एक्सिस पर हर जगह पर मासेस नहीं है, हर जगह पर पार्टिकल नहीं है। एक्स एक्सिस में इस जगह पर एक्स वन पर मास है एम वन, एक्स टू पर मास है एम टू, एक्स थ्री पर मास है एम थ्री, एक्स एन पर मास है एम एन। इसके अलावा बाकी किसी पॉइंट पर मास नहीं। Such a type of mass system, we call it a linear discrete mass system. Linear discrete mass system. Now, I wish to determine center of mass of this system. मैं इस पूरे mass system का center of mass डिटरमाइन करना चाहता हूं, उसके लिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। मैं दोबारा बता दूं, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इन सारे सारे मासेस को कॉन्सेंट्रेट करा जा सकता है, कन्वर्ज कराया जा सकता है। तो उस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पूरे मास सिस्टम का। सेंटर ऑफ मास की और क्या प्रॉपर्टीज होती है हम आगे जाके डिस्कस निश्चित करेंगे। अभी तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करने का तरीका सीखते हैं। हम कहते हैं लेट्स चूज अ रेफरेंस एक्सिस। अब रेफरेंस एक्सिस चूज करने का क्या तरीका होगा? अवर रेफरेंस एक्सिस मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। हम हमेशा रेफरेंस एक्सिस को इस तरह से चूज करें कि वह रेफरेंस एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर हो। राइट नाउ द कंप्लीट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एक्स एक्सिस। हमें रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चूज करना चाहिए। या तो हम रेफरेंस एक्सिस को वाई एक्सिस ले लें या फिर हम रेफरेंस एक्सिस को जेड एक्सिस ले लें। लेट अस से अवर रेफरेंस एक्सिस इज वाई एक्सिस। लेट्स टेक रेफरेंस एज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं। दिस इज द वाई एक्सिस। नाउ कंसेप्ट, वी नीड टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ दिस मास सिस्टम अबाउट y एक्सिस। मास सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले व्हाट इज मोमेंट ऑफ पॉइंट मास m1 अबाउट y एक्सिस? मोमेंट ऑफ पॉइंट मास m1 अबाउट y एक्सिस, इट्स मास इज m1 इन व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x1। So, moment of mass m1 about y-axis is
M1 X1 mass into perpendicular distance. This is moment of mass M1 about y axis. Now, what is moment of mass M2? Point mass M2 about y axis. Mass M2 ka y axis ke about moment hoega M2 X2. What is moment of mass M3 about y axis? Moment of mass M3 about y axis M3 X3 and so on. इस तरीके से हम हर एक पार्टिकल का हर एक पॉइंट मास का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं. nth मास का मोमेंट अबाउट y एक्सिस इट्स mn xn. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट y एक्सिस, इस पूरे के पूरे मास सिस्टम का टोटल मोमेंट y एक्सिस के अबाउट क्या है? In order to determine total moment, we should add all this moment of each individual particle. एक एक individual particle का जो हमने moment determine करा है, इन सभी moment को यदि हम add कर दें, this would be the total moment of mass system about the reference axis. जो हमने reference axis ली, उस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हमने पूरे मास सिस्टम का टोटल मोमेंट डिटरमाइन कर लिया है. अब हम लॉजिक लगाएंगे जो हमने सेंटर ऑफ मास के लिए अभी सुना है. दैट इज वही रेफरेंस एक्सिस. अब हमें क्या करना है? ये जो पूरा का पूरा मास सिस्टम है, इस पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है. एक बात पक्का है, यदि पूरा मास सिस्टम एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पर ही होगा. हम पूरे के पूरे मास को कन्वर्ज करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसको एक पॉइंट मास बना देंगे और उस पॉइंट मास को एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर रखेंगे. यदि हमने सारे मासस को कॉन्सेंट्रेट करके कन्वर्ज करके पॉइंट मास बनाया है तो क्या आप समझ सकते हैं कि वह पॉइंट मास की वैल्यू कितनी होगी? इट वुड बी m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू mn. सारे मासस को जब कॉन्सेंट्रेट कन्वर्ट करके हमने पॉइंट मास बनाएंगे तो पॉइंट मास का टोटल मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू mn. अब इसे हमने किसी x,0 पर रख दिया. इस पॉइंट मास को हमने किसी पॉइंट x,0 रख दिया. नाउ आई आस्क यू व्हाट इज मोमेंट ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट द सेम रेफरेंस y एक्सिस. इस पॉइंट मास का मोमेंट सेम रेफरेंस y एक्सिस के अबाउट क्या होगा? हम कहेंगे इट्स टोटल मास, that is m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn, total mass into its perpendicular distance from x axis is x, total mass into x. This is the moment of point mass placed at this point. Now the concept of center of mass. Yadi pure mass system ka moment और इस पॉइंट मास का मोमेंट यदि यह बराबर हो जाए, इस पूरे मास सिस्टम का मोमेंट और इस पॉइंट मास का मोमेंट यदि बराबर हो जाए तो यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा. इन दैट केस यह एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, दिस वुड बी सेंटर ऑफ मास, दिस वुड बी कॉल्ड XCM. If moment of complete mass system is equal to the moment of point mass, in that case that point would be termed as center of mass. अब हम क्या करते हैं? इस expression में इस m1 plus m2
टू प्लस एम थ्री को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, देन आई मे री राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस मैनर. सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन अप टू एम एन एक्स एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन अप टू एम एन. आई कैन ऑलवेज डिफाइन सेंटर इन दिस मैनर. आई मे री राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस मैनर. एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर अप टू एम एन एक्स एन दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई. दिस मे बी डिनोटेड इन दिस मैनर. समेशन ऑफ एम आई एक्स आई. समेशन ऑफ एम आई एक्स आई मीन्स एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर एंड सो ऑन एंड एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अप टू एम एन. दिस मे बी डिनोटेड एज समेशन ऑफ एम आई. This summation of mi xi would be defined like this. Its total moment of mass system about y axis. It's a total moment of mass system about y axis. Summation of mi xi is called total moment of mass system about y axis. And what is summation mi? It's a total mass. It's total mass. So x coordinate of center of mass is total moment of mass system about y axis upon total mass. This is the basic definition and the basic concept that we could conclude for any linear discrete mass system. Is tarah se hum ek linear discrete mass system ka center of mass के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. अब हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और एक बड़े ही स्पेशल केस की सिचुएशन को समझते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास को समझते हैं, क्योंकि ये हर जगह पर अप्लाई होगा, हर जगह पर इस्तेमाल होगा. फिर हम कुछ प्रॉब्लम